नमस्कार, मैं प्रशांत राव, आप देख रहे हैं GPN24। खबर है मिर्जापुर की, जहां आगामी नव वर्ष को देखते हुए एसपी ने रात में किया फुट पेट्रोलिंग। बता दें कि नव वर्ष के मौके पर जगत जननी माता विद्यवासिनी के धाम में लाखों की संख्या में भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। शुक्रवार की रात को विद्यधाम की सड़कों पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में होटलों एवं धर्मशालाओं में ठहरे यात्रियों के जमा कराए गए कागजात का निरीक्षण किया गया। धाम में दर्शनार्थियों के सुगम दर्शन के लिए झांकी और गर्भगृह में जाने का रास्ता निर्धारित किया गया। उन्होंने जवानों को मौके पर आवागमन के लिए तय रास्तों को समझाया। बताया जा रहा है कि माता विद्यवसानी के धाम में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए 2 दिसंबर तक चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहेगा। चरण छूने का जो कार्यक्रम है वो बंद रहेगा 31, 1 और 2 तारीख को। गंगा घाट पर गोताखोर की व्यवस्था की गई है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जिसको लेकर क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही एंटी रोमियो दल तैयार किया गया है। कि नव वर्ष पर जितने भी श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी धाम यहाँ पे या मिर्जापुर में अन्य जगहों पे जो आने वाले हैं उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सभी लोग नव वर्ष जो है वो सकुशल ढंग से मनाएं, इसी के लिए हम लोग प्रयास करें। रूट मार्च के दौरान दुकानदारों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं से उनका हालचाल पूछा। GPN24 के लिए वसीम की रिपोर्ट, मिर्जापुर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GPN24।